हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज देखिएगा, फिर से आपके लिए बिल्कुल न्यू स्टाइल का स्क्वायर शेप में डोरमेट का डिजाइन लेकर आई हूँ। इसे आप डोरमेट की जगह यूज कर सकते हैं, थरपुश की जगह यूज कर सकते हैं। और देखिएगा, बिल्कुल नया पैटर्न है, आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप सर्च करेंगे तब भी आपको डिजाइन कहीं नहीं मिलेगा। और मैं आपके लिए इसी तरह के नए नए पैटर्न लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हमने दो कलर से बनाया है, ऑरेंज और ब्लैक के साथ हम इसको बनाएंगे। देखिएगा, ये दो कलर मैंने इसके लिए लिए हैं। और यहाँ पर 9 नंबर की नीडल ली है। इसको बनाना बहुत आसान है, बिगेनर्स भी इजीली बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा दिखाई देता है। और यहाँ पर मैंने इसमें होल में करोशिए का फ्लावर लगाया, यानी कि देखिएगा, हमने होल को यहाँ से छोटा करके और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको फ्लावर को लगाया। आप यहाँ पर पॉम पॉम भी लगा सकते हैं या कोई बटन लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये हमारा पैटर्न है और इसको बनाना बहुत आसान है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर हमें फंदों का हिसाब ध्यान से रखना है। हमें 2 के मल्टीपल से फंदे रखते हुए एक फंदा इसमें एक्स्ट्रा रखना है। तो आपको जब भी इस पैटर्न को बनाएं, जोड़े के हिसाब से फंदे रखते हुए उसमें एक फंदा एक्स्ट्रा रखना है। तो आपका ये देखिएगा, स्क्वायर शेप का इस तरह का डोरमेट बहुत ही बढ़िया सा बनकर आएगा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस डोरमेट को बनाना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसे प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस प्यारे से डोरमेट को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम यहाँ पर ऑरेंज कलर से डालेंगे, ये देखिएगा। और यहाँ से हम इसमें 21 फंदे डालेंगे, यानी कि मैं 21 फंदों पर बना रही हूँ। मैंने 2 के मल्टीपल से फंदे रखे, फंदा एक्स्ट्रा रखना है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो आप इस तरह से कितने भी फंदों पर इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 21 फंदों पर बना रही हूँ, आप 15 फंदों पर बना सकते हैं, 17 फंदों पर बना सकते हैं, आप 31 फंदों पर बना सकते हैं, या फिर 40 फंदों पर, 51 फंदों पर, जितने फंदों पर भी आप चाहें बना सकते हैं इसको। तो यहाँ से देखिएगा, हम पूरी सिलाई को सिंपल बनाएंगे। ये देखिएगा, पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बना लेनी है, ध्यान से देखना है आपको। लास्ट तक हमें सभी फंदे बना लेने हैं। ये देखिएगा, लास्ट के फंदे को हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये वाली रो भी हम ऐसे ही बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारते हुए। अब यहाँ से हम फंदों को बना लेंगे। और ये देखिएगा, ये वाला धागा भी हम यहाँ से सिक्योर कर देंगे इसमें। तो ये वाली सिलाई भी हमें पूरी बना लेनी है लास्ट तक। अब यहाँ पर पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा बनाएंगे लास्ट के फंदे तक। देखिएगा, अब इसके बाद देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहां से फिर से हमें फंदों को ऐसे बनाते हुए जाना है, यानी कि हमारी थर्ड रो है। 3 सिलाइयां हम ऐसे ही बनाएंगे बिल्कुल सिंपल। तो यहां से देखिएगा ध्यान से, आप देखिएगा लास्ट के फंदे को हम ऐसे ही बगैर बुना उतार देंगे यहाँ पर। अब यहाँ हमें इसमें अपना सेकंड कलर लगाना है। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर लिया है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कलर ले सकते हैं।
भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ब्लैक कलर को हमने लगा लिया। अब इससे हम यहाँ पर दो फंदे बनाएंगे, ये देखिएगा। दो फंदे बनाने के बाद हम यहीं से वापस हो जाएंगे और यहाँ से ये देखिएगा एक फंदा उल्टा बनाएंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। अब फिर से देखिएगा ब्लैक से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और एक और आगे के फंदे को देखिएगा, इसे धागे को सिक्योर करते एक फंदा और बना लेंगे। यहीं से वापस हो जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा दो फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट के फंदे को ऐसे बगैर बुना उतार देंगे। अब हमें ऑरेंज कलर लगाना है, यानी कि हर दो सिलाई के बाद हम कलर को चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा एक दो तीन, एक फंदा और यहाँ से बना लेंगे तो हमारे चार फंदे हो गए। यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधे साइड में देखिएगा तीन फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। ये देखिएगा फिर से देखिएगा एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, दो तीन चार और एक फंदा और बना लेंगे तो हमारे टोटल पांच फंदे हो गए। यहीं से वापस हो जाएंगे और यहाँ से चार फंदे हम उल्टे बना लेंगे और लास्ट के फंदे को बगैर बुना उतार देंगे। एक बार हमें इस सिलाई में हमें इस फंदे को बुनना है और यहाँ पर देखिएगा इस वाली सिलाई में हमें इस फंदे को बगैर बुना उतार देना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहाँ से ब्लैक कलर लगाएंगे, एक दो तीन चार पांच और एक फंदा इधर से लेते हुए छह फंदे कर लेंगे। अब यहीं से वापस हो जाएंगे और एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। फिर से देखिएगा ब्लैक से ही बनाते हुए एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात, इस तरह से हम एक एक फंदा इधर से लेते हुए जाएंगे हर बार। और हर कलर की हमें यहाँ पर चार चार सिलाइयाँ बनानी हैं। चार ब्लैक से बनाएंगे, चार ऑरेंज से बनाएंगे। ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक फंदों को उल्टा बनाते इस फंदे को बगैर बुना उतार देंगे। अब देखिएगा यहाँ से फिर से हमें ऑरेंज कलर लगाना है और ऑरेंज कलर लगाते हुए लास्ट में एक फंदा ऐड कर लेंगे इस तरह से। अब सीधी साइड में फिर से ऐसे बनाएंगे, यहां से फंदों को उल्टा बनाते हुए लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहां से फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में एक फंदा ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसी तरह से अपने पैटर्न को बनाते हुए जाना है। देखिएगा ये देखिएगा सॉरी, लास्ट के फंदे को यहां पर बगैर बुना उतार देंगे, ब्लैक से बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और एक फंदा ऐड करते हुए टोटल हमारे दस फंदे हो गए। यहीं से वापस हो जाएंगे और यहाँ से नौ फंदे उल्टे बनाते हुए लास्ट के एक फंदे को हम सीधा बना लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब यहां से देखिएगा एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, यहीं से वापस हो जाएंगे और यहां से दस फंदे बना लेंगे उल्टे और लास्ट के फंदे को हम बगैर बुना उतार देंगे। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से इस पैटर्न को बनाना है। ये देखिएगा हर चार सिलाई के बाद कलर चेंज करते हुए जाना है और उधर से
एक एक फंदा लेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पर देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10 फंदे और हैं, इन्हें भी इसी तरह से बना लेते हैं, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने एक एक फंदों को ऐड करते हुए यहाँ तक सभी फंदों को यहाँ तक ले लिया है, टोटल फंदे जितने थे। अब यहाँ से देखिएगा एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, अब यहाँ से हम फंदों को बनाते हुए जाएंगे। थोड़ा सा अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से ये वाली सिलाई तो सिंपल है, फर्स्ट फंदे को बगैर बुना उतारना है और यहाँ से फंदों को बनाते हुए लास्ट के फंदे को भी बगैर बुना उतार देना है। ये देखिएगा ये वाला फंदा बगैर बुना उतार देंगे। देखिए जब हम इस तरह से फंदे को बगैर बुना उतारते हैं तो काम में फिनिशिंग आती है और धागा भी हमारा यहाँ पर इस तरह से लंबा नहीं छूटता है। अब देखिएगा यहाँ से फिर से हम ब्लैक कलर लगाएंगे। अब ध्यान से देखना है आपको थोड़ा सा, अभी तक हम फंदों को एक एक फंदे को लेते हुए जा रहे थे, अब हमें एक फंदे को छोड़ना है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां से हम फंदों को बनाते हुए जाएंगे, ये देखिएगा, और लास्ट में ये दो फंदे हैं हम इन्हें छोड़ देंगे। पहली बार में हमें दो फंदे छोड़ने हैं, इसके बाद हम एक एक फंदा छोड़ेंगे, लेकिन पहली बार में हमें दो फंदे ऑरेंज के छोड़ देने हैं। अब यहीं से वापस हो जाएंगे, ये देखिएगा, और यहां से ये फंदे ब्लैक से बनाते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस वाली सिलाई में हमें लास्ट के फंदे को सीधा बनाना है। यहां से देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा ये लास्ट के फंदे को सीधा बना देंगे। अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में, यहाँ से एक फंदा है बगैर बुना उतारेंगे। अब देखिएगा यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे, लास्ट में अब हमें इस सिलाई में एक फंदा बगैर बुना छोड़ना है। तो देखिएगा यहाँ से एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस फंदों को उल्टे बनाते हुए जाना है और लास्ट के फंदे को बगैर बुना उतार देना है। तो बहुत ही आसान सा ये स्क्वायर शेप का डोरमेट है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको कैसे लगते हैं मेरे डोरमेट के डिजाइन। तो यहां से देखिएगा लास्ट के फंदे को बगैर बुना उतार देंगे। अब ऑरेंज कलर लगाएंगे, ऑरेंज कलर के साथ फंदों को बनाएंगे, ये देखिएगा, और यहां से बनाते हुए जाएंगे। फिर से हमें लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ना है। देखिएगा यहाँ से एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई को बिल्कुल सिंपल कंप्लीट करेंगे, लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। उल्टी सिलाई देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे। देखिएगा और यहीं से वापस हो जाएंगे, इस सिलाई को सिंपल बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और लास्ट के फंदे को बगैर बुना उतार देंगे। अब देखिएगा यहाँ से ब्लैक कलर लगाएंगे और ब्लैक कलर के साथ बनाएंगे फंदों को और फिर से हमें लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ देना है। तो इस तरह से हम जैसे पहले बना रहे थे हर सिलाई 4 कलर से बनाएंगे। तो इसी तरह से जैसे हम बना रहे थे हर कलर की 4 सिलाइयां बनाएंगे, 4 ऑरेंज से बनाएंगे, 4 ब्लैक से और लास्ट में एक एक फंदा हम छोड़ते हुए चलेंगे। ये देखिएगा यहाँ से
तो इस तरह से हमारे हर फंदे दो दो छूटेंगे, इस तरह से दो ऑरेंज दो ब्लैक दो ऑरेंज, इस तरह से हम करते हुए लास्ट तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जब लास्ट के फंदे रह जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी क्या करना है। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने करते हुए यहाँ पर फंदे छोड़ दिए। अब हमारे पास यहाँ पर देखिएगा लास्ट पांच फंदे ऑरेंज के हैं, तो अब हम यहाँ से देखिएगा ब्लैक से बनाएंगे, एक दो तीन फंदे बना लेंगे ब्लैक से और यहीं से वापस हो जाएंगे। और देखिएगा यहाँ से दो फंदे ये हम ब्लैक के उल्टे बनाएंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। ये देखिएगा अब फिर से हम ब्लैक से बनाएंगे, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और एक फंदा बना लेंगे, यानी कि एक फंदा हम इसमें से फिर से छोड़ देंगे। ये देखिएगा इस तरह से, और यहाँ से वापस हो जाएंगे और एक फंदा हम ये उल्टा बना लेंगे, ये देखिएगा, और लास्ट के फंदे को बगैर बुना उतार देंगे। तो यानी कि हमने स्टार्टिंग में भी दो फंदे बनाए थे ब्लैक से और यहाँ पर भी हमारे ये दो फंदे रह गए हैं ब्लैक से। अब देखिएगा क्या करना है, अब जितने भी फंदे छोड़े थे हम यहाँ पर सभी फंदे ऑरेंज से बनाएंगे, यानी कि अब हमें पूरी सिलाई ऑरेंज कलर से बनानी है। ये देखिएगा ध्यान से, जितने भी यहाँ पर हमने ये फंदे छोड़े हैं सभी बना लेंगे लास्ट तक। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ऑरेंज की सिलाइयाँ बनाई थी, अब हमें फिर से इसी तरह से बनानी है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कितनी सिलाई बनाई है। पर वाइज हमने दो रो बनाई थी और यहाँ भी हमें राइट साइड से पर वाइज दो रो बनानी है। ये देखिएगा इस तरह से सारे फंदे बनाएंगे, ये देखिएगा सीधी सिलाई बहुत आसान है। देखिएगा फर्स्ट फंदे को बगैर बुना उतार देंगे और यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। तो ये वाली सिलाई को हमें ऐसे ही सिंपल बना लेना है। आप देखिएगा यहाँ से उल्टी सिलाई, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से हम सारे फंदे लास्ट तक उल्टे ही बनाएंगे। तो ये वाली सिलाई भी ऐसे ही कंप्लीट कर। अब सीधी सिलाई देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से फंदों को उल्टे बनाते हुए लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमारी ये एक पत्ती बन गई है। अब जब हम नेक्स्ट पत्ती बनाएंगे फिर से हमें यहाँ पर ऑरेंज से सिलाइयाँ बनानी है। देखिएगा एक सिलाई उल्टी बनाएंगे, एक सीधी बनाएंगे, एक उल्टी बनाएंगे, एक सीधी, यानी कि चार सिलाई और बनाएंगे तो हमारे पर्ल वाइज यहाँ पर चार लाइन आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो हमने वाला पैटर्न बनाया है दो फंदे ब्लैक से बनाते हुए स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिएगा एक हमारी ये इस तरह से पत्ती बनेगी और जब हम इसी तरह से ये देखिएगा चार पत्तियां बनाएंगे तो इस तरह से स्क्वायर शेप में हमारा डोरमेट का डिजाइन बनेगा। देखिएगा मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। देखिए ये मैंने यहाँ पर देखिएगा ऐसे बनाई है पत्ती, ये देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से इस तरह से फिर से हमने यहाँ पर चार सिलाइयां बनाने के बाद ऑरेंज से पत्ती बनाइए, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा ये हमारा डोरमेट का डिजाइन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत ही प्यारा लगता है पैटर्न बनने के बाद और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। स्क्वायर शेप में काफी फरमाइश है मेरे पास, अभी और भी नए नए पैटर्न आने वाले हैं। तो अभी आप चैनल को देखते रहें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी सिलाई बहुत आसान है, अगर आप जब इसको बना लेंगे एक ही सिलाई इसमें आएगी लास्ट में, तो वो आप लास्ट में इसी तरह से आपको जब दो लाइन आपकी पर्ल वाइज आ जाएंगी तो आपको ऑरेंज कलर से सी देना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सिया है इस तरह से आप इसकी सिलाई करेंगे। तो बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।